हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ किचन दुनिया में। आज जो मैं डिश लेकर आई हूँ वो है डोरा केक्स। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोरियाकी या डोरा केक बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो मैं बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिया 3/4 कप मैदा, 2 एग, 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस, 2 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून हनी। सबसे पहले हमने एक बॉल लिया है, इसमें 2 अंडे को डाल देंगे। शुगर डालेंगे, वनीला, हनी, इसे अब हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि जो चीनी है वो इसमें अच्छे से घुल ना जाए। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें अब मैं ये मैदा डालूंगी। साथ में बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो इन दोनों को अलग से मिला सकते हैं छानकर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 2 चम्मच के करीब पानी मिलाऊंगी। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने अच्छे से मिक्सचर को तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होगी। इसे अब हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसे हमें ढककर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका केक बनाते हैं। अब मैंने एक तवे को गैस पर चढ़ा दिया है और हम इसके जो केक बनाने के लिए कोई भी एक मेजरमेंट के लिए कप ले लेंगे, तो मैंने ये ले लिया है। इससे अब हम सारे केक बनाएंगे। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रखिएगा। थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। एक बार अच्छे से इसे मिला लेंगे, सब पोंछ देंगे इसमें इस तरीके से। थोड़ी दूर से इसमें हम गिराएंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इस पे बुलबुले ना आ जाए। जब एक बार इस पे सारे बुलबुले आ जाएंगे तो हम इसे पलट देंगे। इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं, अब हम इसको पलट लेंगे। इसे पलट कर हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए अंदर से भी।
अभी ये अंदर से भी पक गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी जितने हैं वो बना लेंगे। इसे अच्छे से एक बार पोंछ लेंगे। अब चाहे तो तेल डालें, ना चाहे तो ना डालें। इस तरीके से फिर से हम इस तरह से डालेंगे और इसे पकने देंगे जब तक इसमें बुलबुले ना आ जाए तब तक। अब हम इसे पलट लेंगे और इसे पलट कर इसे 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए छोड़ देंगे फिर से पकने के लिए। अब 1 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से हम बाकी के भी केक जो है उसे बना लेंगे। तो यहाँ हमारा डोरा केक बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसकी फिलिंग अब हम चॉकलेट स्प्रेड से करेंगे। आप चाहे तो इसमें न्यूटेला से भी कर सकते हैं। जनरली ये जापान में इसे रेड बीन पेस्ट से करते हैं, पर हम यहाँ पर चोको स्प्रेड से करेंगे। इस तरीके से स्प्रेड करना है हमें, बीच में करना है, साइड पे पूरा ना करें। अब हम ये दूसरा लेयर इसके ऊपर लगाएंगे और इसे इस तरीके से बंद करेंगे। इस तरीके से तो ये हमारा एक तैयार हो चुका है। इसे अब मैं काट के दिखा रही हूँ। ये हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम अपने बाकी के भी केक की फिलिंग कर लेंगे। यहाँ हमारा डोरा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।